Hello everyone, hope you all are safe and doing well. I am Nidhi and welcome back my channel Anaisa's Creation, जहाँ हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर अमेजिंग आइडियाज टू डेकोरेट योर किचन. तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये पूरा का पूरा वीडियोज रिलेटेड है हमारी किचन से. वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, मैंने बहुत ट्राई किया इसको शॉर्ट करने का, बट ये इतना ही लेंथी हो पाया है. सो सॉरी डियर, आज थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा. सो डू फॉर द डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पतंजलि बटर कुकीज़ का ये एम्प्टी बॉक्स. बेस के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाइट एक्रेलिक कलर का, आप चाहे जैसो भी यूज़ कर सकते हैं. डैबर की हेल्प से मैं यहाँ अपने पूरे बॉक्स के ऊपर मैं कलर अप्लाई कर लूँगी. बेस कंप्लीट होने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है तो हम इसको डेकोरेट करने की साइड चलते हैं. फर्स्ट मैं यहाँ इस बॉक्स को डेकोरेट करने वाली हूँ. इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पैलेट ग्रीन कलर. इसको मैं डैबर की हेल्प से अपने पूरे इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर लूँगी. आप में से बहुत से गाइस मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम बेस ना अप्लाई करें, डायरेक्ट कलर अप्लाई करें, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? यस डियर, तो वो कलर आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से खिल के नहीं आएगा. जैसे आप अभी देख सकते हैं, जो ये मेरे बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट है, मैंने इसके ऊपर में जो बेस था वो अप्लाई नहीं किया था, देन मैं यहाँ डायरेक्ट कलर अप्लाई कर रही हूँ. तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इतने अच्छे से नहीं आ पा रहा है. ओके, अभी मेरा यहाँ ये कलर कंप्लीट हो गया है. तो अब जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर में कुछ आर्ट करने वाले हैं. अब मैं यहाँ बनाने वाली हूँ लोटस फ्लावर. लोटस फ्लावर बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अल्ट्रा मैजेंटा एक्रेलिक कलर का, और मैं यहाँ 0 और 3 नंबर की ब्रश की हेल्प से ये फ्लावर ईजिली बना लूँगी. इन फ्लावर्स को बनाना बहुत ही ईजी है. अपने पूरे बॉक्स के राउंड राउंड साइड्स में मैं ऐसे छोटे छोटे लोटस फ्लावर बना लूँगी. अब जब मेरे फ्लावर्स बनके रेडी हो गए हैं तो मैं उनको आउटलाइन करने वाली हूँ. आउटलाइनर करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 3D कॉन आउटलाइनर का मेटेलिक गोल्ड कलर में. गोल्ड कलर के साथ आउटलाइनर करने के बाद ये फ्लावर्स और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं. और कुछ इस तरीके से मैंने इन सारे फ्लावर्स के साइड्स में आउटलाइनर बना लिया है. अब मैं यहाँ ये जो मेरा 0 नंबर का ब्रश है उसका जो पीछे वाला पार्ट्स है उसे मैजेंटा सेम कलर में मैं डीप कर रही हूँ. उसे छोटे छोटे ये पुलका डॉट्स मैंने अपने इस बॉक्स के ऊपर में बना लिए हैं. अब चलते हैं इस जो ये बॉक्स है इसके कैप को डेकोरेट करने की साइड. इसके कैप को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डेकोपास पेपर का, जिसमें 4 शीट्स आती हैं. उसका ये वाला डिज़ाइन मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ, और वाटर की हेल्प से मैं यहाँ इसको रिमूव कर लूँगी जितना डिज़ाइन मुझे चाहिए.
और फर्स्टली मैं यहाँ इसके ऊपर स्प्रे करने वाली हूँ वाटर का, जिससे ये थोड़ा सा इसका पेपर ये ठीक होता है, थोड़ा सा पतला हो जाए और इसको स्टिक करना ईजी हो जाए। अगर आप बिना वाटर का स्प्रे करें आप इसको स्टिक करेंगे तो इसमें अननेसेसरी बबल्स आ जाएंगे। तो जब भी आप यूज़ करें डेकोपास पेपर या डेकोपास फिलामेंट पेपर या कोई भी गिफ्ट पेपर, तो आप उसमें पहले वाटर का स्प्रे कर लें। आपको डेकोपास पेपर नैपकिन में वाटर का स्प्रे नहीं करना है, आपको ख्याल रखना है कि वह पहले से ही बहुत पतला होता है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ इसको स्टिक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ डेको मैजिक ग्लू का, जो डेकोपास ग्लू ही है। उसके साथ मैं इसको धीरे धीरे यहाँ स्टिक कर लूँगी और डैबर की हेल्प से मैं यहाँ इसको ईजिली स्टिक कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास में डैबर नहीं है तो आप ड्राई ब्रश के साथ भी आप इसको ईजिली स्टिक कर सकते हैं। और डेकोपास पेपर की जगह आप कोई भी गिफ्ट पेपर या फिर मैगजीन से कोई कटिंग आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। डेकोपास पेपर स्टिक हो जाने के बाद अब मैं यहाँ इसको कलर्स के साथ, मैं सेम कलर के साथ इसको मैचिंग करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ तीन कलर्स का मैंने यहाँ यूज़ किया है, उनको मैं मिक्स एंड मैच करके अपना ये जो पूरी कैप है इसमें कलर अप्लाई कर लूँगी और टेबल की हेल्प से मैं यहाँ ईजिली कलर अप्लाई कर लूँगी। आपको कलर बहुत अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करना है, जिससे ऐसा ना लगे कि आपने ये पेपर एक्स्ट्रा बाहर से आपने इसको स्टिक किया है। ये ऐसा लुक दे कि आपने इसको यहाँ, अब मैं यहाँ 0 नंबर के ब्रश का यूज करूँगी और इसके साइड्स में मैं लिखने वाली हूँ मम्मा का ढाबा ब्लैक एक्रेलिक कलर की हेल्प से। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी अल्ट्रा मेजेंटा कलर का, सेम मैं इसके ऊपर बनाने वाली हूँ ये पुलका डॉट्स, जिससे जितना भी स्पेस इसमें खाली है वह फिल हो जाए। और जो ये मेरे बॉक्स की कैप है इसकी साइड्स में भी मैंने ये अल्ट्रा मेजेंटा कलर यहाँ पे अप्लाई किया है और जो इसकी टॉप वाली ऊपर लेयर थी उस पर मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर अप्लाई किया है, जिसे बॉक्स के साथ अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाए। और इस तरीके से मेरा ये बॉक्स बनके हो जाता है रेडी। अभी मैं इस पूरे अपने वर्क को फिक्स करने के लिए यूज़ करूँगी मॉड पॉज ग्लू का। अब मैं यहाँ मॉड पॉज ग्लू जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो मैंने इसके ऊपर मैं अप्लाई किया था वार्निश एक्स्ट्रा ग्लोसी लुक ऐड करने के लिए, और जिससे इस पर कोई भी डस्ट आए तो वो इजीली क्लीन हो जाए। जब भी आप कोई ऐसा वर्क करें उस पर मॉड पॉज ग्लू ज़रूर अप्लाई करें, जिससे क्या होगा कि अगर आप इसको वॉश करना चाहते हैं तो आप उसको ईजिली वॉश भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा आज का ये फर्स्ट DIY बनके हो जाता है रेडी। अब हम चलते हैं हमारे आज के सेकंड DIY के साइड। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ केक का, जो हमारा केक होता है उसका बेस, और इस पर मैं बेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ वाइट एक्रेलिक कलर का, और डैबर की हेल्प से मैं यहाँ इसमें बेस अप्लाई कर लूँगी। बेस कंप्लीट हो जाने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसको डेकोरेट करने की साइड चलते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डेकोपास पेपर का, जितना पेपर मुझे चाहिए उतना मैंने यहाँ रिमूव कर लिया है। फर्स्टली मैं यहाँ इसके ऊपर से मैं यहाँ वाटर का स्प्रे करने वाली हूँ,
जिससे ये इजीली स्टिक हो जाए और इसमें कोई भी अननेसेसरी बबल्स ना आए। डेको पास पेपर को स्टिक करने के लिए यहाँ मैं अगेन यूज करूंगी डेको मैजिक ग्लू का। धीरे धीरे ग्लू अप्लाई करते हो जाइए, धीरे धीरे आप अपना डेको पास पेपर स्टिक करते हो जाइए। आपको पूरे में एक साथ में ग्लू अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो उसमें अननेसेसरी बबल्स आ जाएंगे। अगर एक बार ये स्टिक हो जाते हैं तो इनको दोबारा हटाना आसान नहीं होता है, पेपर हमारा फट जाएगा। यहाँ डेबर की हेल्प से मैं अपने पेपर को इसलिए स्टिक कर लूँगी। रोलर की हेल्प से, रोलर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो अगेन मैं ये बोलूँगी कि आप ड्राई ब्रश का यहाँ यूज़ कीजिए, उसके साथ भी ये इजीली स्टिक हो जाएगा। पेपर स्टिक हो जाने के बाद अब मैं यहाँ कलर को मिक्स एंड मैच करने वाली हूँ। ब्लैक कलर में मैंने हल्का सा वाइट कलर ऐड किया है जिससे डार्क ग्रे कलर में हो गया है, और मैं अपनी पूरी स्ट्रे के ऊपर में ये कलर अप्लाई कर दूंगी। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट है और जो मैंने फर्स्ट DIY बनाया था उसमें एक ये किचन वाला एक छोटा सा इसमें कटिंग था, मैंने उसको यहाँ पे लिया है, इसको इस वाले DIY के साथ मिक्स कर दिया है। अब जितना कल यहाँ पे स्पेस खाली रह गया है उसमें भी मैं कलर ये फिल कर लूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी 3D कोन आउटलाइनर का मेटेलिक गोल्ड कलर, जिससे मैं यहाँ अपने इस पूरी ट्रे को इन्हेंस करने वाली हूँ। जो ये फ्लावर्स हैं इनके बीच में मैं छोटे छोटे पुलका डॉट्स बना लूँगी, और जो ये कप एंड ट्रे बने हुए हैं इसके राउंड राउंड साइड में मैं ये गोल्ड 3D कोन आउटलाइनर अप्लाई कर लूँगी। जब मेरा ये पूरा वर्क अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ स्टेंसिल का। स्टेंसिल को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँ मास्किंग टेप का, और स्टेंसिल में मैं यूज़ करने वाली हूँ जेसो का, वाइट जेसो का, और एक स्टिक की हेल्प से मैं यहाँ ईजिली जेसो इसमें अप्लाई कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने यहाँ दोनों साइड्स में ये डिज़ाइन दिया है, और जितना भी स्पेस खाली रह गया था वहाँ पे मैंने छोटे छोटे पुलका डॉट्स बना लिए हैं विद द हेल्प ऑफ वाइट एक्रेलिक कलर। जब मेरी ये ट्रे अच्छे से ड्राई हो गई है तो मैं यहाँ अपने पूरे वर्क को अच्छे से फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मोड पोच ग्लू का। आप इसकी जगह होममेड मोड पोच ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा ग्लोसी लुक ऐड करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है वार्निश का। और इसी के साथ मेरी एक ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग बनके हो जाता है रेडी। अब मैं चलती हूँ मेरे आज के थर्ड DIY के साइड। इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये एम्प्टी स्वीट्स बॉक्स। इसके ऊपर में मैं अप्लाई कर लूँगी वाइट एक्रेलिक कलर बेस के लिए। बेस अप्लाई करने के बाद जब हमारा बेस अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं इसके ऊपर में अप्लाई करने वाली हूँ रेड एक्रेलिक कलर। कलर जब आपका अच्छे से सूख जाए तो मैं यहाँ इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। उसके लिए यहाँ मैं कुछ कलर्स का यूज़ कर रही हूँ, जैसे ग्रीन, टीन ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज। उसके साथ मैं यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स इस बॉक्स पे बना लूँगी, इसकी अपर साइड और इनर साइड में मैं ये फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। इन फ्लावर्स को बनाना बहुत ही ईजी है, आपको कोई भी 0 नंबर का या फिर 1 नंबर का कोई ब्रश लीजिए, उसके साथ ऊपर नीचे करके इस टाइप से आप छोटे छोटे फ्लावर्स बना लीजिए।
और इस तरीके से मैंने अपने बॉक्स में मल्टी कलर्स के फ्लावर्स बना लिए हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 3D Cone आउटलाइनर का मेटेलिक गोल्ड कलर, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ इन फ्लावर्स के बीच में छोटे छोटे डॉट्स बना लूँगी, जिससे मेरे फ्लावर्स बनके हो जाएंगे कम्प्लीट। इस बॉक्स को मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ स्पैचुला होल्डर के रूप में। मैं अपनी वीडियोस में पहले भी मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ स्पैचुला होल्डर से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ यूज़ किया है 3D Cone आउटलाइनर का, जिसकी हेल्प से मैं जो इसका बीच का पार्ट था थोड़ा खाली था उसमें मैंने पुलका डॉट्स बना लिए हैं। जब हमारा ये पूरा वर्क अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं इसको फिक्स करने के लिए यूज़ करूँगी मॉड पॉज ग्लू का, जो पहले मैंने स्पैचुला होल्डर सब में अपने चैनल में वीडियो अपलोड की हुई है वो मैंने बनाए थे डेकोपास पेपर नैपकिन की हेल्प से। उसमें भी बहुत से लोगों का यही एक क्वेश्चन था कि डेकोपास पेपर नैपकिन नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ ये एक छोटा सा अगेन एक स्पून होल्डर मैंने यहाँ बनाया है, जिसमें मैंने कोई भी ऐसे डेकोपास पेपर नैपकिन यूज़ नहीं किया है। तो आप इस तरीके से सिंपल सा क्यूट सा आप स्पैचुला होल्डर्स अपना बना सकते हैं। ओके, अगेन यहाँ एक ग्लॉसी लुक ऐड करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी वार्निश का। और इसी के साथ मेरा आज का ये थर्ड DIY भी बनके हो जाता है रेडी। अब मैं चलती हूँ मेरे आज के लास्ट DIY के साइड, उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेरा स्पाइसेस बॉक्स, जो एक स्टील में मेरे पास में स्पाइसेस बॉक्स है। अगर आप लोगों के पास में मसालादानी स्टील में या फिर प्लास्टिक में, जिसमें भी आपके पास हो, आप उसको इसी तरीके से डेकोरेट कीजिए, उसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। यहाँ बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट एक्रेलिक कलर का। बेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो ये मेरा मसाला दानी है, इसकी जो कैप है, इसके बीच वाले पार्ट में मैं अप्लाई कर रही हूँ ये रेड एक्रेलिक कलर। थ्री कलर्स के साथ मैं यहाँ अपनी ये कैप को डेकोरेट करने वाली हूँ। सेकेंड कलर मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ टील कलर, और 0 नंबर के साथ मैं यहाँ मार्किंग कर लूँगी कि कितने में मुझे यह कलर अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से। मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसमें कलर फिल कर लूँगी। थर्ड एंड लास्ट कलर में यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर, और जितना स्पेस इसमें खाली रह गया उसमें सब में मैं ये ऑरेंज कलर फिल कर लूँगी। यहाँ जिस तरीके से मैं ये कलर फिल कर रही हूँ कुछ इसी तरीके से मेरे इस मसालादानी की जो कैप है उसकी शेप भी है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कलर फिल किया है। अब मैं यहाँ यूज़ करूँ मेटेलिक गोल्ड कलर का, जिससे के साथ मैं ये जो मेरी कैप है इसका जो ये छोटा सा हैंडल है मैं इसको कलर कर लूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी 3D Cone आउटलाइनर का, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ छोटे छोटे पुलका डॉट्स बना लूँगी अपने इस पूरी कैप के ऊपर।
जब मेरी कैप ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी देन मैं इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉड पॉज ग्लू। मॉड पॉज ग्लू मैं यहाँ अच्छे से क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी क्योंकि मसाला दानी हमारी रोज में यूज़ होती है तो ये गंदी भी बहुत जल्दी होती है, तो इनको वॉश भी हमें करना होता है रेगुलरली। तो इसलिए मैं अच्छे से ग्लू अप्लाई करूँगी और ग्लू अप्लाई करने के बाद लास्ट में मैं इसके ऊपर में अप्लाई किया है वार्निश एक ग्लोसी लुक ऐड करने के लिए और इसमें कोई डस्ट एक्स्ट्रा ना आए। मैं उसको आराम से किसी भी क्लॉथ के साथ क्लीन करूँ तो ये अच्छे से क्लीन हो जाए और बनने के बाद हमारी कैप लगती है कुछ ऐसी। अब मैं चलती हूँ इस बॉक्स के जो बाउल्स हैं उनको डेकोरेट करने के साइड। फर्स्ट मैं यहाँ बेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ अगेन वाइट एक्रेलिक कलर का। जब बेस अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं इनके ऊपर में कलर अप्लाई करने वाली हूँ। फर्स्ट बाउल के ऊपर मैं यहाँ कलर अप्लाई कर रही हूँ टील कलर। यही तीनों कलर मैं अपने इन बाउल्स में अप्लाई करने वाली हूँ टील कलर रेड कलर एंड ऑरेंज कलर। और ब्रश स्ट्रोक मार्क रिमूव करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ डैबर का और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं इन सबको फिक्स करने के लिए इनके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉड पॉज ग्लू। थ्री बाउल्स मैंने यहाँ रेड कलर में इनके ऊपर रेड कलर अप्लाई किया है, टू बाउल्स के ऊपर में मैंने टील कलर अप्लाई किया है एंड टू बाउल्स के ऊपर में मैंने ऑरेंज कलर अप्लाई किया है। ग्लू अप्लाई करने के बाद जब ग्लू अच्छे से ड्राई हो गया था देन मैंने इनके ऊपर में अप्लाई किया है वार्निश। वार्निश अप्लाई करने के बाद ये बाउल्स अलग से ही बहुत अच्छे से एकदम ग्लॉसी सा लुक ऐड हो गया इनके अंदर में। और जैसे मैंने अभी कहा था कि तीन बाउल्स में मैंने रेड कलर अप्लाई किया है और टू बाउल्स में मैंने यहाँ ये टील कलर अप्लाई किया है और टू बाउल्स में मैंने यहाँ ऑरेंज कलर अप्लाई किया है। और मल्टी कलर्स में मेरे बाउल से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम चलते हैं जो हमारी मसाला दानी है उसको डेकोरेट करने के साइड। इसके ऊपर में मैंने वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई कर लिया था, वो अच्छे से ड्राई हो गया है तो मैं इस पूरी मसाला दानी में अप्लाई करने वाली हूँ रेड एक्रेलिक कलर। आपको जो भी कलर अपने अकॉर्डिंग पसंद हो आप उन्हीं का यूज़ कीजिए। मेरा फेवरेट कलर रेड है तो मैं रेड का यहाँ ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ ब्रश स्ट्रोक मार रिमूव करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डैबर का। और जब हमारा कलर अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसको डेकोरेट करने के साइड चलते हैं। हमारी मसाला दानी को डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3D कोन आउटलाइनर का मेटेलिक गोल्ड कलर में, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ डायमंड शेप बना लूँगी अपने इस पूरे मसाला दानी के ऊपर। अगर आप लोगों के पास में 3D कोन आउटलाइनर नहीं है तो आप 0 नंबर के ब्रश के साथ मेटेलिक गोल्ड कलर आप ले सकते हैं या जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर के साथ इस तरह की आप शेप बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने ये डायमंड शेप यहाँ बना ली है।
मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिलिकॉन मोड का, उसमें मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये एयर ड्राई क्ले। एयर ड्राई क्ले को मैं हमेशा इसी तरीके से पैक करके रखती हूँ, क्योंकि जैसा इसका नेम है एयर ड्राई, तो ये एयर के कॉन्टेक्ट में आती ड्राई हो जाती है। तो अगर आप लोगों ने भी काफ़ी सारी इस तरह से क्ले ले रखी है तो आप उसको इसी तरीके से सिक्योर करके रखिए। ओके, अब मैं यहाँ क्ले का एक बड़ा सा जो बनाया है और उसको मैं यहाँ अपने पूरे इस सिलिकॉन मोड में अच्छे से फिक्स कर लूँगी और उसको अच्छे से मैं प्रेस करूँगी ताकि इसका मोड का पूरा डिज़ाइन मेरी इस क्ले पे आ जाए। अगर आप लोगों के पास में सिलिकॉन मोड नहीं है तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से पूरा डिज़ाइन हमारा इस क्ले पे आ गया है। अगर आपका डिज़ाइन क्लियर नहीं हो पा रहा है, अच्छे से नहीं आया, तो एक बार फिर से आप अपने डिज़ाइन को सिलिकॉन मोड के अंदर रखिए और बिल्कुल अच्छे से पूरे उसी एरिया से आप उसको रखिए, अलग से नहीं, और अच्छे से उसको प्रेस करके प्रेस कीजिए, देन आप उसको निकालिए तो पूरा का पूरा डिज़ाइन आपका अच्छे से आपकी क्ले पे आ जाएगा। जितनी भी क्ले इसमें एक्स्ट्रा है मैं उसको यहाँ नाइफ कटर की हेल्प से रिमूव कर लूँगी। और ये मेरा एक छोटा सा क्यूट सा डिज़ाइन बन के हो गया है रेडी। इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेटेलिक गोल्ड कलर। मैं यहाँ अपनी मसालादानी को एक रॉयल सा लुक दे रही हूँ, उसी के लिए मैंने यहाँ इस डिज़ाइन का यूज़ किया है। ओके, इसको स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है फैब्रिक ग्लू का। आप किसी भी ग्लू के साथ आप इसको ईजिली स्टिक कर सकते हैं। अब जो ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाए थे डायमंड शेप में, इनके अंदर भी मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टील कलर का, और सेकंड में यहाँ ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं यहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स बना लूँगी इन बॉक्स के अंदर। और इस तरीके से मैंने यहाँ ये फ्लावर्स बना लिए हैं ऑरेंज कलर और टील कलर के साथ। और जो ये साइड में मैंने एक डिज़ाइन बनाया है मसाला दानी के जो फर्स्ट जो इसका फ्रंट रहने वाला है उसमें, उसको मैंने बनाया है 3D कोन आउटलाइनर की हेल्प से। अब जो ये फ्लावर्स मैंने बनाए थे इनके सेंटर में मैं यहाँ पुलका डॉट्स बना लूँगी। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जो मेरा ब्रश है उसका पीछे वाला पार्ट और मेटेलिक गोल्ड कलर का, जिसके साथ मैं यहाँ इनके सेंटर में ये पुलका डॉट्स बना लूँगी। और इसके बनाते ही मेरा ये मसाला दानी का वर्क ऐसा कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे वर्क को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया मोड पोच ग्लू का, और मोड पोच ग्लू के अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें ग्लोसी लुक ऐड करने के लिए यूज़ किया वॉर्निश का। इस तरीके से मेरे मसाला दानी का ये बॉक्स भी बन के हो जाता है रेडी।
तो इस तरीके से मेरा आज का ये लास्ट DIY भी बन के हो जाता है कम्प्लीट। जो मेरा आज का ये फर्स्ट DIY था, आप इसको एज ए राउंड ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अपने पिकल जार्स, ड्राई फ्रूट बॉक्स, जो भी आप रखना चाहें आप इसमें रख सकते हैं। आप अपने किचन के कॉर्नर्स में इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बट मैं इसको एज ए ड्राई फ्लोर बॉक्स यूज़ करने वाली हूँ। मोस्टली जब हम लोग रोटियाँ बनाते हैं तो हम सूखा हुआ आटा प्लेट में ले लेते हैं, बट वो रोटी बनाते हुए इधर उधर सेल पे बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो आई थॉट कि मैं इसको एज ए ड्राई फ्लोर बॉक्स यूज़ करूँ। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकन होता है प्लीज़ उसको भी प्रेस कर दीजिएगा मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन के लिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में। नेक्स्ट भी मैं किचन से ही रिलेटेड DIYs लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।